हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी एक सर्विस दिखाने वाली हूँ। और एक्चुअली मैं यहाँ पर रॉन्ग सर्विस को का करेक्शन कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अच्छे से देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा मेरी बात को कि मैंने क्या यूज़ किया और कैसे कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरी क्लाइंट हैं, जैसा कि आप हेयर देख रहे हैं इनका काफ़ी यहाँ पर हेयर लाइट हो चुका है। इनका हेयर ऑलमोस्ट जो नेचुरल हेयर है वो नंबर 3 पर है, लेकिन जो लाइट हो चुका है वो नंबर 8 या 9 पर जा चुका है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। और वो भी किस एरिया में, तो सिर्फ फ्रंट एरिया में, बैक एरिया में बिल्कुल भी हेयर नहीं हुआ, कोई सर्विस नहीं हुई है वहाँ पे, सिर्फ फ्रंट एरिया में हुआ है। तो ये मेरी क्लाइंट को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि फ्रंट में ही बहुत ज़्यादा ये चीज़ पॉप कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मेरी क्लाइंट यहाँ पर करेक्शन के लिए आई थी। ये सर्विस ये कहीं और करवाई हुई थी, जिससे ये काफ़ी नाखुश हो गई, डिससेटिस्फाई हो गई, और यहाँ पर ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन जानने के लिए आए। तो मैंने सबसे पहले इनको कंसल्टेशन के लिए रखा, बातचीत की इनसे कि इनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो इनको हाइलाइटिंग का पोर्शन थोड़ा बहुत चाहिए था, क्योंकि इनका शौक था, लेकिन फ्रंट एरिया में बिल्कुल ये कम कर देना चाहती थी। जो भी हाइलाइटिंग हो चुका था उस एरिया को वो ये चाहती थी कम हो जाए, बिल्कुल डाउन हो जाए, ताकि इनको वो चीज़ पॉप करता हुआ नज़र ना आए, और पूरे हेयर पर भी इसका इफ़ेक्ट, जो कलर मैं देने वाली हूँ उसका इफ़ेक्ट बना रहे हैं। मतलब ये फैशन शेड भी चाहती थी, लेकिन उतना ज़्यादा लाइट हेयर में, हाइलाइटिंग वाला हेयर भी उतना ज़्यादा ये नहीं चाहती थी, ठीक है। तो जैसा कि आप वीडियो में देखा कि आपने, कि मैंने कलर नंबर शेड नंबर 5 मैंने यूज़ किया है 20 वॉल्यूम के साथ, उसको अच्छे से मिलाया है 1:1 रेशियो के साथ, और उसको पूरे हेयर पे लगा दिया है, रूट के साथ साथ लेंथ तक मैंने इस कलर के मिक्सचर को मैंने लगाया है। इससे क्या होगा कि हेयर जो लाइटन हो चुका है उसको वो चीज़ वो थोड़ा डार्केन होगा, नंबर 5 तक जाएगा वो, ठीक है। और जो बाकी सारा जो हेयर है, जो ब्लैक नंबर 3 पर है, नेचुरली जो 3 पर है वो लाइट होके नंबर 4 या नंबर 5 तक वो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ का, कैसे ये टेक्निक मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। और उसके बाद लगभग 40 मिनट्स इसका रेस्टिंग टाइम मैंने दिया था, 30 to 40 मिनट, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद मैंने इसका हेड वॉश कर दिया। यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात समझने की है कि जब भी हेयर जो लाइटन होता है उसको डार्केन करने के लिए भी 20 वॉल्यूम ही यूज़ होता है। तो जब भी मैं डेवलपर्स का नॉलेज दूंगी रिटर्न वे में, और तो आप इसको अच्छे से देखिएगा कि किस डेवलपर के साथ कौन सा टेक्निक होता है, उसके फीचर्स क्या हैं और कैसे वो चीज़ काम होता है उसके साथ, ठीक है। यहाँ पर मैंने 20 वॉल्यूम के साथ कलर नंबर 5 लगाया था, और जो हाइलाइटिंग वाला एरिया है वो थोड़ा सा डार्केन हो गया है, लेवल वो हो गया है लेवल 4-5 तक वो जा चुका है, तो आप अच्छे से देखिएगा। और जो बाकी सारा हेयर है वो लगभग नंबर 4 या नंबर 5 तक वो जा चुका है, तो उसका वो जो नंबर 3 पर था नेचुरली वो नंबर 5 पर चला गया, ठीक है। अब मेरी क्लाइंट से आप फीडबैक सुनिए कि वो क्या कह रही हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ओके। एक्चुअली मेरे बाल बहुत ज़्यादा डिफरेंट और अजीब कलर हो गए थे, मैंने कहीं और करवाया था, मेरी गलती थी, दैट इज़ वाई मैंने फिर आया और मैंने कलर करवाया। नाउ आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे लुक में बहुत ज़्यादा इन्हांस हुआ है, एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। ओके, ठीक है, अब से कभी भी कुछ कराएगा तो थोड़ा सा सोच के कि कहाँ पर क्या कराना है, कहाँ पर क्या जाए, डिसेंसी होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।